सो आज के मेकअप चैलेंज में मैं यूज करने वाली हूँ अपने हाथ, आई मीन फिंगर्स। बिल्कुल भी कोई ब्रश यूज नहीं करूंगी इस चैलेंज में। सब प्रोडक्ट्स मैं अपने हाथ पे लगाऊंगी और अपने हाथ से फेस के ऊपर ब्लेंड करूंगी, चाहे वो फाउंडेशन है, चाहे वो आई शेडो है या लिपस्टिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने न्यूट्रीजेना का हाइड्रा बूस्ट जेल लिया है, वो मैं अप्लाई करूंगी अपने हाथों से ही, और क्योंकि मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है अपने फेस को, तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज करूंगी, उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। ओके, तो मॉइस्चराइजर लग चुका है, अब चलते हैं प्राइमर की तरफ। प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का पुटी प्राइमर फिंगर्स, और मैं थोड़ा सा इसको अप्लाई करूंगी इन एरियाज पे जहाँ पे मुझे पोर्स मिनिमाइज करने हैं, और इसको अच्छे से अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैं जो दूसरा प्राइमर अप्लाई करूंगी दैट इज सेम एल्फ, और ये हाइड्रेटिंग प्राइमर है। दिस वन इज रियली गुड, ये फ्रेग्रेंस फ्री है। आपको फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हैं तो यू कैन गो विद दिस। मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव और ड्राई है, मुझे ये हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स बहुत सूट करती हैं, तो इसलिए मैं इन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करती हूँ। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ कैमोफ्लेज फ्लूइड, ये भी मैंने पाकिस्तान से फाउंडेशन ली थी और ये बहुत ही अच्छी और रिजनेबल प्राइस में मुझे मिली थी, और ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो मैंने इसको भी अपने हाथ पे लिया है और अपनी फिंगर्स से अप्लाई करूँगी, और आप देख सकते हो कि इसका टेक्स्चर कितना अच्छा है और इसकी ब्लेंडिंग भी बहुत ही स्मूथ है। आप देख सकते हो कि मैं हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ और कितने अच्छे से ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। तो ये रही मेरी फाउंडेशन जो कि रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी फाउंडेशन है। जब से लाइफ में हमारी ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेस आए हैं तब से हम भूल ही गए हैं कि हाथों से मेकअप किस तरह से किया जाता है, क्योंकि बहुत साल पहले मैं अपने हाथों से ही मेकअप किया करती थी, आई मीन फिंगर्स से ही फाउंडेशन ब्लेंड कर लेती थी, आई शेडो भी अप्लाई कर लेती थी। बट आज वाकई में ही चैलेंजिंग टास्क लग रहा है ये मुझे मेकअप करना। तो फाउंडेशन तो मेरी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है और बहुत ही स्मूथ मेरी स्किन नज़र आ रही है, तो ये हो गया गुड। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप इस कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैं फिटमी की ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं अपनी फिंगर से अप्लाई करूँगी अपने फेस पे जिन एरियाज को मुझे कॉन्टोर करना है। तो चलिए ये स्टेप जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे फास्ट फास्ट से कॉन्टोरिंग करती हूँ, और आप देख लो कि कितना फास्ट मेरा हाथ चल रहा है कॉन्टोरिंग में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि मुझे बहुत डिटेल्ड मेकअप करना था अपने हाथों से, और मैं नहीं चाहती थी कि इसमें ज़्यादा कटिंग हो। मैं चाहती थी कि आप देखो कि मैं किस तरह से अपनी फिंगर्स को यूज़ कर रही हूँ पूरा मेकअप करने के लिए, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे बारी आती है आईब्रोज की। आईब्रोज के लिए मैं प्रोफ्यूजन की ये आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ, आपने मुझे ये पहले भी यूज़ करते देखा होगा आईब्रो ट्यूटोरियल में, और मैं इसके लिए अपनी ये छोटी सी फिंगर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ बहुत बड़े हैं और बाकी फिंगर्स भी बड़ी हैं। अगर मैं दूसरी फिंगर से अप्लाई करती तो एकदम ये बहुत बड़ी बड़ी आईब्रोज मेरी बन जाती, तो यहाँ पे मैं अपनी स्मॉल फिंगर यूज़ कर रही हूँ अपनी आईब्रोज पे पाउडर लगाने के लिए। ये काम मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था कि मैं अपनी आईब्रोज जो बना रही हूँ वो अपनी फिंगर से बना रही हूँ पाउडर लेके। पहले ही मेरी बहुत लाइट आईब्रोज थी जो कि मैंने बहुत डार्क कर ली पाउडर लगाने से, और मैं सोच रही थी कि मैं इसको किस तरह से मैनेज कर पाऊँगी, तो ये रही मेरी हॉरिबल लुक। यहाँ पे मैंने एसेंस का कैमोफ्लेज कंसीलर यूज़ किया अपनी आईब्रोज को सेट करने के लिए। अब मैं इसको अपनी फिंगर पे लूँगी और इससे अपनी शेप को नीट करूँगी, आईब्रो की शेप को नीट करूँगी, और ये काम भी मुझे बहुत ही स्लोली स्लोली करना था, जिस पे मुझे आई थिंक काफ़ी टाइम लग गया, आई मीन 5-10 मिनट्स लग गए थे मुझे आईब्रोज़ बनाने में और क्लीन करने में। तो चलें मैं ये फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने क्लीन किया। आज इस चैलेंज का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कुछ भी काम करना मुश्किल नहीं है, अगर आप में हिम्मत हो और आप करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरी आईब्रो कितनी अच्छी नीट हो चुकी है, एकदम इतनी अच्छी मैंने पेंसिल से भी कभी नहीं बनाई जितनी आज मैंने फिंगर से आईब्रोज को अपने नीट कर लिया है।
सो माई आईब्रोज आर ऑलमोस्ट डन. आज बहुत ही नीट शेप बन गई है, पर इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मुझे इस तरह की नीटनेस देने के लिए, बट स्टिल आई लव इट. तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. और अब चलते हैं आई मेकअप की तरफ. आई मेकअप अप्लाई करने से पहले मैं आई के ऊपर कंसीलर अप्लाई करना चाहती हूँ, और कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी फिंगर से ही. और एक आई के ऊपर मैं ऑन कैमरा अप्लाई करूँगी और दूसरी आई के ऊपर मैं ऑफ द कैमरा अप्लाई करूँगी. कंसीलर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर पाउडर लगाऊंगी, और पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूड बाय नेचर. अब बारी आती है आई शेडो की. आई शेडो पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का चॉकलेट गोल्ड, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट आई शेडो पैलेट है. तो सबसे पहले मैं ट्रांजिशन कलर पिक करूँगी और अपनी आईलिड के ऊपर इसको अपनी फिंगर से ब्लेंड करूँगी बहुत ही स्मूथली. और ये आई शेडो यूज़ करते वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई शेडो मैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसको लगा लूँगी. आई डोंट नो कि आगे जाके मेरे साथ क्या होने वाला है, पर अभी तो मैं बहुत ही एक्साइटेड लग रही थी कि मैं उसको बढ़ा चढ़ा के ब्लेंड कर रही थी. बट आईब्रोज से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी कि मुझे बार बार इसको हाथ लगाना था और नीट करना था, जो कि आई थिंक आधी साइड से मैं थोड़ी सी खराब भी कर चुकी हूँ इसको रिमूव कर करके. एक कलर तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया है, अब मुझे इसके ऊपर एक और कलर अप्लाई करना था विच इज़ ब्लैक. आई थिंक मेरा वो डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं था कि फिंगर से मुझे कलर अप्लाई करना है, और मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया. तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट तो कर लिया, बट ये एकदम फैलते ही जा रहा था और मेरे से थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा था. बट स्टिल कोशिश मैं करती रही और मैंने कोशिश बिल्कुल ना छोड़ी, और करते करते कॉर्नर एज से मैं पूरी आंख के ऊपर आ गई. बट फिर भी मैंने हिम्मत ना हारी, तो मैंने एक आंख को छोड़ के दूसरी आंख पे दोबारा स्टार्ट कर दिया. उसी तरह से मैंने अपनी आई के कॉर्नर से स्टार्ट किया ब्लैक कलर, और मुझे लगा कि शायद मैं इस आई के ऊपर मैनेज कर पाऊंगी, बट नहीं, स्टिल मैंने वही हाल किया अपनी दूसरी आंख का भी जो मैंने पहली आंख का किया था, और मैंने इस पर भी पूरा आई शेडो ब्लेंड कर लिया अपनी पूरी आंख के ऊपर. तो चलें देखते हैं कि आगे आखिर होगा क्या मेरे साथ. तो अब मुझे इस आई शेडो को ब्लेंड करते करते पूरी आईलिड के ऊपर फैल चुका था और कुछ पैचेस भी लग चुके थे, और अब मुझे इसको मैनेज करना था अपने एक और कलर चूज़ करके. कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, बट यहाँ पे मैंने चूज़ किया गोल्ड शेड, और मैंने इसको अपनी आईलिड के ऊपर अप्लाई किया, और ये वाकई में ही एकदम चमकने ही लग गया, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था कि मैंने अपने पूरे आईलिड के ऊपर इसको ब्लेंड करने की कोशिश की और थोड़ा सा कॉर्नर छोड़ दिया. और ये रहा मेरा आई शेडो लुक, जो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लगने लग गया एकदम से गोल्ड कलर अप्लाई करके, उसके लुक ही चेंज हो गई. यहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आपसे कुछ मैसअप हो जाए तो आप उसके ऊपर गोल्डन ग्लिटर या कुछ भी इस तरह का आई शेडो अप्लाई कर लो तो आप मैनेज कर सकते हो. तो ये रहा मेरा आई शेडो लुक, जो आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है, और मैंने बहुत ही अच्छे से इसको मैनेज कर लिया है, और इट्स लुक रियली प्रिटी. तो मैं इसी तरह से अपनी दूसरी आई के ऊपर इसको लगाऊंगी, और मैं अभी आपके सामने आती हूँ. आई मेकअप मेरा हो गया है कम्प्लीट. अब मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी और इसको मैं अपनी फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी. ये मेकअप लुक स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा फेस और आईज़ बहुत ही पैची होंगी, बट नहीं, ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है फिंगर से. मेकअप ब्रश और मेकअप टूल्स के साथ आप बहुत फ्लॉलेस मेकअप अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप फिंगर से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो. इवन ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीटनेस चाहिए अगर आपको, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हाथों से मुझे. बट ब्रशेस से आप शायद प्रैक्टिस में होते हो तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट सब काम कर लेते हो. बट नो ब्रश मेकअप चैलेंज का मतलब ही ये है कि आप ब्रश के बिना भी फ्लॉलेस मेकअप कर सकते हो कि नहीं. और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने फोकस से हट के अपनी नोज को कंटोर करने में लग गई और थोड़ा सा शार्प लुक देने में लग गई. ओके, इट्स गुड. तो चलो वापस अपनी आई मेकअप की तरफ चलते हैं, और अब मैं अपनी फिंगर से ही अपने लोअर लैश के ऊपर आई शेड अप्लाई करूँगी, और मैंने ब्राउन कलर का आई शेड उस पर अप्लाई किया है. अब मैं जाऊँगी एक और दूसरे कलर की तरफ विच इज़ ग्रीन, और मैं इसको अपनी फिंगर से ही अपनी आई के ऊपर ब्लेंड करूँगी.
यहाँ पे मैं थोड़ा श्योर नहीं थी कि ये नो ब्रश मेकअप चैलेंज है तो यू कैन नॉट अप्लाई मस्कारा और आईलाइनर, तो मैंने चूज किया अदर ऑप्शन विच इज आईलैशेज। तो आईलैशेज की ग्लू मैं अपने हाथ पे डालूंगी और अपनी आईलैशेज से ही इसको पिक करूंगी डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं इसको पिक कर रही हूँ और फिर मैं इसको अप्लाई करूंगी क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था आईलाइनर और मस्कारा लगाने का, तो दिस वन इज गुड ऑप्शन। अब आ रही आती है ब्लश ऑन की। ब्लश ऑन भी मैंने चूज किया क्रीमी और मैं इसको अप्लाई करूंगी अपनी फिंगर से। और ब्लश ऑन और हाइलाइटर दोनों ही मैंने क्रीमी अप्लाई किए हैं। अगर आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हो तो मस्ट गो विद द क्रीमी प्रोडक्ट्स जो कि अच्छे से हाथ से ही ब्लेंड हो जाएंगी। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ बर्ट बी का हाइलाइटर और मिल्क कॉस्मेटिक का मैंने ब्लश ऑन यूज किया है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपना फुल मेकअप कर लिया है अपने हाथों से ही और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है। और अब बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ मिकाजे का ब्रांड, इट्स अ क्रीमी लिपस्टिक्स, तो ये मैं फिंगर से ही अप्लाई करूँगी। और यहाँ पे मैंने एक कलर पिक किया है और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी फिंगर से ही। यहाँ पे होगी ये मेरी लुक कम्प्लीट। सेटिंग स्प्रे मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेकअप लुक कैसी लगी। सो ये थी मेरी फाइनल लुक विद यूजिंग माई हैंड्स। तो इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट टू यूज हैंड्स और आप अपना मेकअप कर सकते हो। आई थिंक बहुत साल पहले मैं अपने हाथों से ही मेकअप करती थी, आई शेडो भी मैं अपने हाथों से ही लगाती थी, बट यहाँ पे मैंने नॉर्मली मैं क्या करती थी एक ही आई शेडो पिक करके उसको फिंगर से ऐसे अप्लाई कर लेती थी, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दो तीन आई शेडो कलर्स पिक किए हैं लगाने के लिए। और आप देख सकते हो कि एकदम से ग्लैम पार्टी लुक मेकअप हो चुका है मेरा ऑलरेडी। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक भी अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।